हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं हूँ अनु और आप देख रहे हो मेरी यूट्यूब चैनल मैथ क्लास, जिसमें आपका स्वागत है और अभिनंदन है। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पिछली वीडियो में मैं आपको बताई थी असेंडिंग ऑर्डर, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सीढ़ी से चढ़कर छत पर चल गए थे, ठीक है। अब हमें छत से नीचे उतरने की बात है, ठीक है। तो अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। जब हम छत पे चढ़ गए तो अब हम घूम लिए। अब उसके बाद जब हम सीढ़ी बाई सीढ़ी हम नीचे आ रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो वो हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एक एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे आप छत पे जा रहे हैं घूमने के लिए, तो जाना हो गया आपका असेंडिंग, और नीचे उतर कर ग्राउंड फ्लोर में आना वो हो गया आपका डिसेंडिंग। तो अब आ रहे हैं नीचे आ गए, तो वो हो गया हमारा डिसेंडिंग। मतलब कि सबसे नंबर हम लेंगे तो सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा छोटा लिखेंगे, फिर उससे थोड़ा सा छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, और फिर लास्ट में सबसे छोटा लिखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि सीढ़ी पे चढ़ना हुआ हमारा असेंडिंग और सीढ़ी से उतरना हुआ हमारा डिसेंडिंग। तो अब एग्जांपल लेते हैं। 64, 72, 14, 24 और 90। अब इसका एग्जांपल क्या हुआ, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 90 है, तो सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे 90। अब उसके बाद 90 के बाद कौन सा बड़ा, थोड़ा सा छोटा कौन सा दिख रहा है, मतलब कि 90 से छोटा और बाकी लोग से बड़ा कौन सा दिख रहा है, 72। अब हो गया, अब क्या आ गया यहाँ पे, ये भी हमारा हो गया और ये भी हो गया, सॉरी मिनट, ये है 90, ये भी हो गया हमारा और ये भी हो गया। अब आती है बात कि इससे छोटा, ठीक है, और दोनों से बड़ा, तो क्या आ रहा है हमारा, 64, ये भी लिख दिए। अब उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कौन सा आ रहा है, 24, अब सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 14। आगे बात समझ में, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। इसमें से सबसे बड़ा वाला नंबर को हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद इससे छोटा और बाकी लोग से बड़ा। तो देखिए कौन सा दिख रहा है इसके बाद, इसके बाद वाला अंक कौन सा आता है, 72 लिख दिए। फिर उसके बाद कौन सा आ रहा है बड़ा अंक, दोनों से बड़ा, 64, फिर 64 भी हो गया। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, 24, फिर उसके बाद सबसे छोटा हो गया ये, तो ये लिख दिए। अब एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं, ठीक है। 72, 84, 08, 98, 14। अब देखिए इन सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है 98 लिख दिए। अब उसके बाद ये ये तो हो गया 1, 2, 3, इन चारों में से सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 84, अब ये भी हो गया। अब 1, 2, 3, इन तीनों में से सबसे बड़ा फिर कौन दिख रहा है, 72। अब देखिए अब ये भी हो गया, अब ये दोनों बचे, तो ये 0, 8 है, मतलब 8 है और ये 14 है, तो इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है 14। फिर उसके बाद सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 0, 8, 80 नहीं है, 8 है, ठीक है, ये हो गया। ऐसा बन गया आपको डिसेंडिंग ऑर्डर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2, 1, 9, 10, 12, 40। चलिए अब इन सारे में से सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 40। अब देखिए ये तो हो गया हमारा, अब इन सब में से कौन सा आपको दिख रहा है सबसे बड़ा, 12 भी हो गया हमारा।
अब इन सब में से कौन सा हमारा बड़ा दिख रहा है? टेन, टेन भी हो गया। अब इन सब में से नाइन, नाइन भी हो गया। अब इन दोनों में से टू, और फिर लास्ट वन। कोई दिक्कत नहीं है? देखिए यही हो गया आपका डिसेंडिंग। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन तक दबा कर जाए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।